मैग्नेट्स, अगर आपके पास बार मैग्नेट है जिसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं, एक मैग्नेट ये है एक मैग्नेट ये है, वो कहेगा एक का डायपोल मोमेंट कैपिटल एम है, दूसरे का भी कैपिटल एम है, नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो आपने क्या करना है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बार मैग्नेट में इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये साउथ से नॉर्थ कैपिटल एम ये रहा, साउथ से नॉर्थ कैपिटल एम ये रहा, इन दोनों वेक्टर में एंगल कितना है 120, तो नेट एम निकाल लेना अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर, एम स्क्वायर टू एम एम कॉस 180, और मैथ्स में कॉस 180 क्या होता है माइनस हाफ, तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक वेक्टर सम कैसे लेना है? फिर उसी तरीके से तीन मैग्नेट्स हैं, ये देखो, तो पहला कैपिटल एम कहां है लेफ्ट साउथ से नॉर्थ, दूसरा कैपिटल एम कहां है साउथ से नॉर्थ, तीसरा कैपिटल एम कहां है साउथ से नॉर्थ, तीन वेक्टर्स हैं। अब तीन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है आपको, पहले काम करो ये कैपिटल एम है ये कैपिटल एम है, इनके बीच में एंगल कितना है 60, इक्वेटर है ना, तो ये एंगल क्या ले लेते हैं 60, तो तुम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पहले ये निकाल लो, और इसकी वैल्यू पता है क्या आएगी अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर टू एम एम कॉस ऑफ 60, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे पता है क्या आएगा रूट 3 एम। अभी तुमने दो वेक्टर को सॉल्व किया और वैल्यू कितनी आई ऊपर की तरफ आई कितनी रूट 3 एम। अब ये एक अनसॉल्व वेक्टर पड़ा है m, तो ये वेक्टर आपस में 90 पे होंगे, तो सोचें एक रूट 3 एम है और एक लेफ्ट की तरफ m है, तो नेट आंसर क्या आएगा अंडर रूट ऑफ रूट 3 एम का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। सॉल्व करके आंसर समझ में आ रहा है, दो दो करके वेक्टर कैसे ऐड करने हैं, पहले तुमने इसको और इसको ऐड कर लेना है रिजल्टेंट, फिर ये वेक्टर ऊपर आएगा ये लेफ्ट आएगा और दोनों 90 पे होंगे, और फिर आपने रिजल्टेंट लेना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, ये क्वेश्चन है, बहुत आता है ये क्वेश्चन, एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम है, और एक क्वाड्रेंट में बना दिया एक सर्कुलर आर्क में मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। ये सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स है, आप प्लीज़ नया सॉल्यूशन नोट करें, इसे इसको ऐसे नोट करें जो मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है एक बार मैग्नेट है, इसकी मान ले पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, लेंथ इसकी 2L है, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल m है। तो मुझे पता है कैपिटल m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्मॉल m इंटू 2L, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर केस नंबर टू में आपको वो कह रहे हैं कि इसको आप एक किसमें बना दें, क्वाड्रेंट बना दें, ये वही मैग्नेट है पोल स्ट्रेंथ एम और एम पर शेप चेंज करती, जब आपने इसमें क्वाड्रेंट बनाया तो रेडियस क्या है रूट टू आर आर और आर। अब मुझे ये पता है कि जब मैं इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम को ज्वाइन करूंगा तो डिस्टेंस क्या आएगा रूट टू आर, तो नया डायपोल मोमेंट आएगा स्मॉल एम इंटू कितना रूट टू आर, डिस्प्लेसमेंट लेनी है डिस्टेंस लेना है इसमें, तो पोल स्ट्रेंथ के बीच में दूरी कितनी है रूट टू आर, तो नई पोल स्ट्रेंथ है तो नया डायपोल मोमेंट है, सॉरी क्लियर है यहां तक, तो नया डायपोल मोमेंट आ गया। अब यह बताओ कि यह लंबाई है कितनी, 2πr/4, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है 2πr/4, और एक्चुअल लंबाई थी कितनी मैग्नेट की 2L, ये देखो 2L को आपने घुमा दिया आर्क में, यहां से 2 से 2 कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 4L/π। आप इस आर को यहां पुट कर दो, एम डैश एम रूट टू स्मॉल आर की जगह ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2। अब फाइनली इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ये एम डैश है ये एम है, एम डैश की वैल्यू क्या है इसमें स्मॉल एम इंटू रूट टू इंटू 4L/π, और कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है स्मॉल एम इंटू 2L, एम से एम एल से एल कैंसिल निकाल लेना आंसर है, ऐसे निकलेगा कैपिटल एम। तो आइडिया समझ में आ रहा है कैसे निकलेगा, तो पहले बार मैग्नेट का फिर उसको आर्क बना के कैपिटल एम डैश कर देना है और फिर इनको डिवाइड कर लेना है। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में मिलेगा आपको ये।
पीवीसीएल के अंदर भरे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चंस मैग्नेट्स के। एक और, यहां तक क्लियर है? इसमें ये चीज देख लें, मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज से पहले ये न्यूमेरिकल को एक मिनट जरूर देख लें प्लीज। ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह दिखेगा आपको। सीधा इस न्यूमेरिकल का एंड सुन ले, क्या है क्या, ये समझ लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देख लो एक बार। आपको क्वेश्चन आएगा और ये सीबीएसई से कंपटीशन हर जगह दिखेगा आपको। बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, दूसरी बार मैग्नेट है। आपने एक बार मैग्नेट को ऐसे काट दिया, कट कर दिया दो पीसेस में, दो क्या एन नंबर ऑफ पीसेस में, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ एम है। काटने के बाद भी क्या रहेगी, एम ही रहेगी, खत्म। लेकिन अगर आपने बार मैग्नेट को ऐसे काट दिया ताकि ये दो छोटी छोटी मैग्नेट्स निकल आई ऐसी, ताकि लेंथ रिमेन्स सेम, एल सेम है, लेकिन इस केस में अगर पोल स्ट्रेंथ एम और एम थी तो ये कितनी हो जाएगी, एम बाई टू एंड एम बाई टू। ये शॉर्टकट याद रहेगा, हॉरिजॉन्टल काटने से आधी हो जाएगी, वर्टिकल काटने से आधी नहीं होगी। फिर वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मान लो इसका कैपिटल एम निकालना है, कैपिटल एम क्या होता है, स्मॉल एम इंटू ट्वेल्व, क्योंकि इसकी लेंथ आधी हो गई, देख रहे हो। वो पूछेगा कि पहले कैपिटल एम की वैल्यू तो कैपिटल एम है, नई मैग्नेट छोटी मैग्नेट का एम डैश निकालो, तो लेंथ इस केस में क्या हो गई, आधी हो गई। तो शॉर्टकट क्या है, एम डैश विल बी इक्वल टू एम बाय टू, भाई लेंथ आधी हो गई तो कैपिटल एम भी आधा हो गया। फिर वो ये पूछेगा इस केस में अगर कैपिटल एम की वैल्यू स्मॉल एम इंटू ट्वेल्व थी, लेकिन अब इस मैग्नेट का एम डैश क्या आएगा, तो क्या बोलोगे, अब पोल स्ट्रेंथ आधी हो गई तो एम डैश की वैल्यू फिर से आधी ही होगी। इसमें लेंथ आधी होगी, उसमें पोल स्ट्रेंथ आधी होगी, तो इसलिए कैपिटल एम दोनों केसेस में विल बिकम हाफ, डायपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा, पर पोल स्ट्रेंथ एक में सेम रहेगी, एक में हाफ होगी। तो बहुत आता है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है यहां तक, ये रूल क्लियर है, कोई डाउट इसमें? और फाइनली लास्ट, इसके अंदर हमने ये न्यूमेरिकल किया, लास्ट जो न्यूमेरिकल हमने ये किया था, ये रहा मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, हमने ऑलरेडी कर ली हैं। पहली प्रॉपर्टी मैग्नेट की, इसके दो पोल्स हैं, ये डायरेक्शन बताती है, अट्रैक्ट रिपेल करती है। अगर हम मैग्नेट को काट दें तो फिर से नए पोल्स बन जाते हैं। अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेट के आसपास लेके जाऊं तो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन ऐसी होगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तरफ होंगी, जिसे ये पता लगता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से कहां जाती हैं, साउथ जाती हैं। फिर हमने ये देखा मैग्नेटिक डायपोल का कैपिटल एम निकालने का तरीका, करंट इनटू एरिया। एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में घूमता है तो कैपिटल एम हमने प्रूव किया था, ई वी आर बाई टू लास्ट टाइम डेरिवेशन की थी। फिर हमने एंगुलर मोमेंटम के साथ डायपोल मोमेंट का रिलेशन भी निकाला था लास्ट टाइम, और ये रिजल्ट आया था, बोहर मैग्नेट्रॉन भी निकाला था। लेकिन जब मैंने डेरिवेशन की थी उसमें इतनी केमिस्ट्री लगाई नहीं थी, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है उसकी दो मोशंस होती हैं, एक ऑर्बिटल और एक स्पिन। हमने डेरिवेशन सिर्फ ऑर्बिटल मोमेंट की थी, तो डायपोल मोमेंट जो आया था वो ऑर्बिटल का आया था। अगर एंगुलर मोमेंटम स्पिन का लें, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, एल वेक्टर की जगह एस वेक्टर है स्पिन की वजह से, तो सेम रिजल्ट एक और आ जाता है, ये स्पिन मोमेंट का डायपोल मोमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन का टोटल डायपोल मोमेंट इन दोनों का वेक्टर सम होता है। ये पेपर में नहीं आता, पर अगर किताब में लिखा हो तो बता दिया कि ऐसा भी होता है, आता नहीं, कभी आया नहीं आज तक। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बता दिया, कूलम लॉ बता दिया, मैग्नेट का बता दिया, एक्सियल लाइन का फॉर्मूला बता दिया, शॉर्ट डायपोल बता दिया, इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूलाज हो गए, टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। इस पूरे के अंदर, इस पूरी शीट में पहली चीज ये बताई हुई है कि अगर ये सोलेनोइड है, सोलेनोइड में एक रिंग एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट, दूसरी बार मैग्नेट, तीसरी बार मैग्नेट, बहुत सारी बार मैग्नेट बिकम्स अ बिग बार मैग्नेट, तो सोलेनोइड एक बिग बार मैग्नेट की तरह कंपेयर की जा सकती है। गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रोस्टैट्स में गॉस थ्योरम इसके इक्वल थी, मैग्नेटिक में गॉस थ्योरम होती है बी डॉट डी एस इज जीरो। ये सिलेबस में नहीं है, फॉर्मूला देके छोड़ दिया,
ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ लेते हैं, मार्क कर दो बी डॉट डी एस क्या होता है, आंसर जीरो मार्क करना, ना प्रूफ करना है, ना एप्लीकेशन आएगी, ना कॉम्पिटिशन में आएगी, ना कहीं और आएगी, कहीं भी नहीं आएगी। ठीक, इसी के साथ क्लियर।